जब मैंने गोपाल के बारे में अच्छे से पूरा उसका कैरेक्टर पढ़ी, तो उसमें ये वाली एक पॉइंट थी जो सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। गोपाल के बारे में इसमें ये लिखा हुआ है कि गोपाल जब छोटा रहता है, मतलब उसकी एज उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, टीनेजर ही रहता है, तो उसको ये बात पता चलती है कि उसकी वो जो बहन है वो उसकी सगी बहन नहीं है। तो उसको इस बात का बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुँचता है कि उसको मतलब बचपन से अंधेरे में रखा गया। और कुछ टाइम के बाद उसको ये वाली बात ही पता चलती है कि उसकी जो पेरेंट्स हैं उसके वो सगे माँ बाप नहीं है। इसकी वजह से वो ट्रॉमा में पहुंच जाता है और वो मतलब सदमा हो जाता है कि उसको उसके माँ बाप धोखा दिए, इतने टाइम से अंधेरे में रखे हुए थे। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके वो माँ बाप नहीं है। बहुत चुप होने लगता है, चुप चुप रहने लगता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। उसके कुछ टाइम के बाद उसको सुमी से प्यार हो जाता है, मतलब सुमी और गोपाल की लव मैरिज रहती है। उसके बाद ना सुमी जो है वो अच्छे खासे घर की रहती है, पैसे वाली रहती है, और जो गोपाल जो रहता है वो एक गार्डनर का बेटा रहता है। तो सुमी जो रहती है ना वो हमेशा एक पेड़ के नीचे ना दही खा के ना कभी भी हाथ धो लेती है। और सुमी क्या बोलती है, मैं शादी उसी से करूँगी जो इस ट्री का नाम बोलेगा, ट्री। तो सुमी को तो पता रहता है जो गार्डन का जो बेटा है गोपाल वो तो उसको पसंद ही करते रहती अंदर ही अंदर। तो सडनली गोपाल बोलता है इस जो ट्री का नाम है वो है दही ट्री। तो सुमी बोलती अब तो मैं शादी गोपाल से करूँगी। तो ये इनकी छोटी सी लव स्टोरी है, इसमें इतना दम नहीं है बट ये एक लव स्टोरी है। और गोपाल फिर धीरे धीरे ट्रॉमा से बाहर निकलने लगता है एंड वो सुमी से शादी कर लेता है। उसके बाद वो अचानक ये तीनों माँ बेटी को घर से जब निकलने बोलता है तो अंदर ही अंदर सुमी को ये लगता है कि हाँ शायद उसको ट्रॉमा का असर अभी तक है उसके अंदर। इसके लिए वो कुछ नहीं बोलते, इसको पता रहता है कि इनको बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ये रूटनेस बिहेवियर करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है गोपाल के कैरेक्टर में।